मेरा नाम कौटिल्य तोमर है। ये हमारा जो फार्म है कौटिल्य पशु फार्म के नाम से, ये सर्जना बिनौली रोड पे है, मेरे से 15 किलोमीटर पड़ता है और हमारा ये 180 केजी का प्लांट है। 500 केजी पर डे ऑलमोस्ट, ये 500 केजी पर डे ऑन पेपर हम यही बनते हैं। तो सर आपको लैसम्बायोटेक के बारे में, लैसम्बायोटेक के बारे में मुझे स्क्रोल कर रहा था, मैं बहुत सारी कंपनी से बातें कर रहा था, मैं सोशल मीडिया के थ्रू लैसम्बायोटेक को जाना, यूट्यूब पर मैंने उनका वीडियो देखा, उसके अलावा इंडिया मार्ट पर उनका देखा कि ये सारी मशीनरी बनाते हैं, तो ऐसे मैं लैसम्बायोटेक से मैंने संपर्क करा। जैसे और कंपनीज भी हैं, न्यू स्टार है, टेकिंग है, आपको कैसे लगा, कैसे मतलब काम करना चाहिए? लैसम्बायोटेक का USP है उनके ऑर्ड शशांक महेश्वर, जब सी देखिए कॉम्पिटिटर्स हैं, ब्लू स्टार है, ये है, जब मैं उनसे मिला तो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिला जो कि इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम मिलता है। यहाँ पे हैं कंसल्टेंट्स हैं, बट जो क्लैरिटी ऑफ थॉट उनसे बात करके लगी तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लैसम्बायोटेक के साथ रहेंगे। मैंने लैसम्बायोटेक से टर्न की प्रोजेक्ट साइन किया था, मीन्स कि फ्रॉम फ्लोर टू बिल्डिंग एवरीथिंग द डिज़ाइन, वो सब कुछ लैसम्बायोटेक ने किया है, चाहे वो कंपोस्ट का काम हो, चाहे वो ग्रोइंग रूम्स का हो, सभी मशीनरी लैसम्बायोटेक की, सारा काम उन्होंने किया है डिजाइनिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक। कार्ड है उसके अलावा टनल बंकर है और ये तो किसी लैसम्बायोटेक का सब कुछ लैसम्बायोटेक का था, पूरा लेआउट, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंसल्टेशन से लेके इवन बैंक का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ हेल्प करना, सब्सिडी के लिए कुछ हेल्प प्रोवाइड करना, वो सब लैसम्बायोटेक ने किया है। तो ग्रोइंग में क्या कितने रूम्स हैं आपके? हमारे पास अभी 6 रूम्स हैं जो रनिंग में। ईल का ऐसा है, हमारा 180 DPA का प्लांट है विच कम्स आउट 500 केजी पर डे, बट अभी हमारा ईल जो आ रहा है वो 24-25% का आ रहा है, विच इज वेरी गुड, मशीन आर डूइंग वेरी गुड ग्रेट, और आपका आफ्टर सेल सर्विस और सपोर्ट दोनों ही अच्छा है, सो फार नो कम्प्लेंट्स। ये ऐसे बैटरी के पैनल है, लोगों ने मेरे को रखे हैं, चाहे वो टनल बंद करो चाहे ग्रोइंग रूम का पैनल है, और उसका अभी तक तो असली इसने काम किया, हमें कोई कंप्लेंट इससे आई नहीं। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 सब अच्छे से मैनेज कर रहा है, एवरीथिंग सब फुली ऑटोमेटिक है, सब कुछ फुली ऑटोमेटिक है, हमें ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है।